नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के लिए स्पेशल संविधान के 80 प्रश्नों का सेट, प्रैक्टिस सेट और पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया, चाहे आपका ग्रुप डी का हो चाहे एएलपी का हो। इस वीडियो का कट ऑफ है 65 यानी कि 80 प्लस क्वेश्चन, यानी 85 के समथिंग प्रश्न है टोटल, और 65 प्लस प्रश्न जो भी बच्चा करेगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सुबह में एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, आप लोग वो वीडियो जरूर जाकर देखो, बहुत फायदा होगा। कहते हैं ना, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ परिश्रम का फल होता है। और अगर जो आप रेत पर अपने कदमों का निशान छोड़ना चाहते हो तो सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने कदम को पीछे मत खींचो। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के ऐसे हैं जो तैयारी छोड़ चुके हैं, पढ़ना छोड़ चुके हैं, फिर से कदमों को रखो और पढ़ाई शुरू करो। क्योंकि देखो, अगर जो आप पीछे करोगे, अगर जो आप यहाँ तक आ गए हो और ये सोच रहे हो एनटीपीसी अभी आएगा, शेड्यूल नहीं आया, आप थोड़ा सा भी पीछे आओगे, तो लाखों बच्चे आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ आने से क्या फ़ायदा अगर जो आप यहाँ से पीछे आने लगे, तो क्यों ना आप साथ में पढ़ते रहो, साथ में चलते रहो, और एग्जाम टाइम में आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आप तैयार रहोगे, प्रिपेयर रहोगे। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे, अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं और आप ऑनलाइन टेस्ट अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो परीक्षा एप्लीकेशन ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट। बात करें आरआरसी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का, आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से आपको कुछ भी ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट बाय करते समय ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा, तुरंत 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे ऑनलाइन, और तुरंत आपको इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे पता चल जाने वाला है, ठीक। और इसको मैं यहाँ पे इसको खरीदने के लिए मैं फिर से बताता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मैं फिर से बता देता हूं कुछ चीजें। कट ऑफ है 65, टोटल 85 क्वेश्चन है, और जो लोग 65 प्लस करेंगे वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, इससे आपकी तैयारी भी आपको पता चल जाएगी। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? दो बैठकें स्टार्टिंग में हुई थी, एक 9 दिसंबर 1946 को, दो दिन बाद हुई थी। और जो पहली बैठक हुई थी उसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं था, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उस सदन में जो सबसे वरिष्ठ था, तो वरिष्ठ के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी। लेकिन जब दो दिन बाद बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो अभी मैं बता देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं बोल दूंगा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अभी मैंने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, उससे तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो अभी आ रहा है आपका, ठीक है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने का फायदा यही होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950, अभी हमारा एक डेट गया है 26 नवंबर, और हमने क्या मनाया है? संविधान दिवस। इसको ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत गणतंत्र कब बना था? तो यही डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, कब? जब संविधान हमारा लागू हुआ था पूर्णतः। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो है उसको उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, 6 मूल अधिकार प्राप्त है। आगे चलते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है?
मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार पूरा सॉरी मूल अधिकार माना गया है? किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर होगा 21A। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो लोक कल्याणकारी अगर राज्य की अवधारणा की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो हम ऑप्शन में जो तेजी से पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा धीरे पढ़ने की, ठीक है? आप लोग को मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का को निर्देश देता है कि वह, ऑप्शन पढ़िए 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के को पढ़ने के बाद, तो ग्राम पंचायतों का संगठन करें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली? देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान है, कई देशों का मिश्रित संविधान है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग गूगल करके या फिर अपना लूसेंट वाली किताब से किस देश के कौन सी चीज़ लेके भारत के संविधान में जोड़ा गया, ठीक है? जैसे आपातकाल की बात करें, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मूल कर्तव्यों की बात करें किस देश के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से। आगे चलते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें, आप लोग बताइए कितने मूल कर्तव्य हैं टोटल मूल कर्तव्यों की बात करें तो 10 हैं। आगे चलते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में निहित। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 21, राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 5 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति के पद का चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति अपनाई जाती है, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे तो नीलम संजीवा रेड्डी, याद रखिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन द्वारा यहाँ पे लगाया जा सकता है, पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसके बाद दूसरे सदन में पेश करना अनिवार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट चलते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्णायक मंडल में कौन कौन शामिल है? उपराष्ट्रपति के निर्णायक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में बात करें तो ध्यान रखिए दो चीज़ें, अगर जो राष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यसभा में तो 12। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को कहा जाता है यहाँ पे राज्यसभा। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करें, यदि प्रधानमंत्री का या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो ये ध्यान रखिएगा, 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है, तो ये वाला ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 552 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम। आगे चलते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। नेक्स्ट बात करें, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक की बात करें तो धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट बात करें,
केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट बात करें, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? क्वेश्चन नंबर 37, तो ये है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कितने लोग? जवाहरलाल नेहरू बताएंगे। ये होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम रखिएगा। और यहाँ पे मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसका कट ऑफ है 65। देखो, अगर जो कभी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, प्रैक्टिस ले रहा, कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, मान लो जो गलती से कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उसमें उल्टा सीधा पकने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, ठीक है, और अगर जो आप गलती पकड़ते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर, और ये होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, कोई भी, आपको गलती पकड़ने आना चाहिए। और आपने पकड़ा तो इसका मतलब आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आप पढ़ाई करते हो, तो गलतियाँ पकड़ना सीखो, बहुत अच्छी बात है। और गलती पकड़ो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ सर इसका आंसर ये होगा, क्योंकि वो आप पकड़ोगे तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 38। तो नेक्स्ट है भारत, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, तो अभी मैंने बताया राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी, पहले लोकसभा है फिर राज्यसभा है, तो यहाँ पे 2 और 12, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या है, विधानसभा की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 500। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, तो आंसर इसका 7 होना चाहिए, और अभी तक हम 7 पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें वहाँ पे विधान परिषद थी। और बात करें अभी जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 राज्यों में टूट चुका है, और विधान परिषद जम्मू कश्मीर में होगा। अगर जो लद्दाख में नहीं है विधान परिषद, तो जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है, लेकिन अभी तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो कुछ कह नहीं सकते इस पे, अभी थोड़ा डाउट है, लेकिन 7 आप ध्यान रखिएगा, 370 से पहले 7 थी, गूगल कर लीजिएगा थोड़ा सा। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट बात करें 47 नंबर, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो मैंने बोला कि अंतर 6 होने चाहिए 2 विधानसभाओं के बीच, तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो 2 ही अधिवेशन साल में हो सकते हैं कम से कम। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर राज्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? 370 है, नहीं हुआ था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्चतम न्यायालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट चलिए, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति कौन करता है? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा 65 वर्ष की आयु तक पूरी होने तक उनका कार्यकाल होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल जेकानिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो हीरालाल जेकानिया ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या है 24। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा कितनी है?
न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है, तो ये कितनी है आपका 62 वर्ष पूरी होने तक। देखो ये 62 वर्ष पूरा ऐसे होता है, जैसे जैसे आप ही ले लो तो आप न्यायाधीश बने उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, आपकी उम्र है 61 साल, 61 साल पे आप न्यायाधीश बने तो आप अगले साल 62 के हो जाओगे तो आपको कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आप 58 पे बने तो आप 62 हो जाओगे तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो ये नहीं होता कि आप 15 साल तक रहोगे, 20 साल तक रहोगे, इसमें नहीं होता, ठीक। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर, तो गुवाहाटी ध्यान रखिएगा। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीशों कार्यरत है, तो इलाहाबाद ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखिएगा यह अनुच्छेद 143 से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस स्थितियों में कर सकता है, राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है तो ये हो जाएगा, ये सभी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन सभी स्थितियों में ये कर सकता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, ध्यान रखिएगा 3 बार। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 352, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, संवैधानिक के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में, ये देखो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये होता है 356। तीन होते हैं आपातकालीन जो स्थिति है, आपातकाल का जो संविधान में ऐड किया गया वो जर्मनी के संविधान से होता है। आपातकाल के लिए 3 होते हैं, 352, 356, 360। ये हो गया आपका, ये राष्ट्रीय आपात हो गया 352, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, 360 हो गया वित्तीय आपात, और भारत ने वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि राज्यों में कितनी है, तो 6 माह होती है, सॉरी अधिकतम की बात हो रही है तो 3 वर्ष, ठीक है, ये 3 वर्ष होता है। और ये कहो आप, अभी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो जम्मू में भी लगा था, कई बार वो लगते रहते हैं, लेकिन ये कहो 3 वर्ष के लिए डायरेक्ट लगा दे, ऐसा नहीं होता, पहले 6 महीने के लिए लगेगा, फिर स्थिति नॉर्मल नहीं होती है या मुख्यमंत्री राज्य में नहीं बनता कोई, फिर से 6 महीने के लिए लगेगा, इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से लग लग के ये 3 साल तक मैक्स जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, अभी मैंने बताया 360, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितनी समय के लिए लागू किया जा सकता, तो एक बार में 6 माह, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने देशों के अंदर कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है, अगर जो आपको राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है, तो ये हो जाएगा 60 दिन। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख भारत के किस अनुसूची में, अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में संविधान में 8 थी लेकिन करंट में 12 हो गई है, और बात करें दल बदल कानून की तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो संविधान द्वारा बात करें कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22, कितनी 22। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट बात करें, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था, प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो विकास परिषद की बात कर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट बात करें, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसने किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। भारत में
सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, और यह कहाँ से शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर गांव से ये शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त ये हो गया आपका। टोटल 85 क्वेश्चन है। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग का गठन 1991 किया गया, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पंचायतों में चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। नेक्स्ट चलते हैं, सरकारी आयोग का गठन, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और आशा है आपने 65+ क्वेश्चन किए होंगे। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, RTI बोलते हैं इसे, राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था जून 2005 में। तो आपने जो लोग देखे हैं पूरा वीडियो, उनको बेस्ट ऑफ लक, और आशा है आप ही पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान रखना, और अच्छे से आपने किया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे वीडियोज कंटेंट मिलते रहेंगे। और जल्दी से कमेंट कर दो जिन लोगों, जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए, और मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।